मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 40 न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मेट्रो ब्रिज के पिलर से बस की टक्कर, 25 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। ड्राइवर के नियंत्रण खोने से KSRTC बस मैसूरू रोड पर रहे मेट्रो ब्रिज के पिलर से टकरा गई। घटना कल रात की है, जहां मेडिकेरी से आ रही बस मैसूरू रास्ते पर भारत पेट्रोल पंप के पास हादसे का शिकार हो गई। बस में 45 यात्री सफर कर रहे थे, जिसमें 25 लोग हुए हैं घायल और 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल दाखिल किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस, मामला केंगेरी पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। ओपनिंग के 2 दिन बाद ही तैरता हुआ ब्रिज हुआ तहस नहस। राज्य का पहला और देश का दूसरा तैरता हुआ पुल उडुपी के मालपे बीच पर निर्माण किया गया था। टूरिस्ट के आकर्षित और समुन्द्र की लहरों पर चलने का एहसास दिलाने वाला ये तैरता हुआ पुल 100 मीटर लंबा और 3.5 मीटर चौड़ा 80 लाख की लागत से बनाया गया था, जो कुदरत के गुस्से का शिकार हो गया। तूफान के आगे लहरें बेबस होकर देश के दूसरे और राज्य के पहले तैरते हुए पुल को टूटने से नहीं बचा पाए। शुक्र है कि आसानी साइक्लोन इफेक्ट के दौरान यहां कोई टूरिस्ट मौजूद नहीं थे। श्री राम सेना की लाउड स्पीकर में अजान के खिलाफ सुप्रभात की शुरुआत। श्री राम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने मैसूरू के एक मंदिर में लाउड स्पीकर के जरिए से अजान के खिलाफ लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया। मैसूरू के शिवराम पेटे अंजनैया स्वामी मंदिर में मुतालिक ने जोर आवाज में मंत्र पढ़ने का नेतृत्व किया। लाउड स्पीकर से भक्ति गीत और सुप्रभात की इस अभियान में मुतालिक को श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने साथ दिया। श्री राम और हनुमान मंदिर के आंगन में बैठकर अजान के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। संगठन ने इसके बाद मीडिया से बात करते हुए मुतालिक ने सरकार को मस्जिद में लाउड स्पीकर को हटाने की समय सीमा डेडलाइन दी थी, ना कोई कार्रवाई हुई ना ही कोई एक्शन लिया, सरकार सिर्फ नोटिस पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और सभी जिला अधिकारियों के खिलाफ अदालत के आदेश का उल्लंघन मामला दाखिल किया जाए। राज्य के कुछ हिस्सों में ही आज सुबह 5 बजे यह नजारा देखने को मिला, जिस पर पुलिस भी कड़ी नजर रखी हुई है और मस्जिद के जिम्मेदारों को भी इन हालात में मोबाइल से वीडियो करने की सलाह दी है। जिम्मेदारों ने कई जगहों पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां भी हुई। मुसलमानों को मनाने सामने आए श्री रामलू। 2023 विधानसभा चुनाव में श्री रामलू का बल्लारी ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव लड़ना तय है की बातें सुनने में आ रही हैं। इसी के चलते शुरुआती तौर पर मुस्लिम वोट बैंक पर नजर रखते हुए मस्जिद डेवलपमेंट के नाम पर जोरदार तोहफे दे रहे हैं रामलू। बल्लारी ग्रामीण क्षेत्र जहां मुसलमानों के वोट जीतने के लिए काफी अहम माने जाते हैं, यहां कौल बाजार इलाके में आने वाले 9 वार्ड में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स मौजूद हैं। इसीलिए हर एक मस्जिद को 20 लाख रुपये अतिया देकर मनाने की सियासत कर रहे हैं राम। पिछले चुनाव में हाई कमांड के आदेश पर 2 क्षेत्रों में चुनाव लड़ा था, जिसमें थोड़े अंतर से बादामी में हारे और मुल्कालमुर में जीते रामलू के लिए आने वाले चुनाव में किस क्षेत्र से चुनाव लड़े, इसी उलझन में रहे रामलू ने बल्लारी के ग्रामीण क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं कि चुनाव में उनकी जीत आसानी से हो। मगर रामलू ने इस अनुदान पर कहा कि ये मेरा नहीं, दानियों ने मेरे जरिए से दान दिया है। धर्म के कामों में एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को पता ना चले, इसीलिए इसमें मेरा एक पैसा भी नहीं है, कहा रामलू ने। जिस्म फरोशी के धंधे का पुलिस ने किया पर्दाफाश। बाहरी राज्यों से लड़कियों का इस्तेमाल करके हाईटेक जिस्म फरोशी चलाने वाले चित्रदुर्ग जिला हल्लकेरे गांव के प्राइवेट बस स्टैंड के पीछे लॉज पर रेड करके 3 पुरुष 2 महिलाओं को गिरफ्त में लिया है पुलिस ने। पुख्ता जानकारी के आधार पर चित्रदुर्ग DCIB इंस्पेक्टर किरण कुमार के नेतृत्व में दोपहर प्रज्वल लॉज पर ये रेड की गई। जांच के दौरान लॉज के टॉयलेट रूम में बाहर से दीवार की तरह दिखने वाले इस नज़ारे के पीछे आलिशान रूम में ये नाजायज धंधा
चलाया जाता था। पूरी प्लानिंग के साथ ये धंधा चलाया जा रहा था। जिस पर किसी को शक ना हो, रेड पड़ने से खुफिया दरवाजों के जरिए भाग रहे इस रैकेट के गैंग को लोगों की मदद से पुलिस ने पकड़कर सलाखों के पीछे डालकर अपना मेहमान बनाया है पुलिस ने। अजान मामला, मुस्लिम दलित भाई भाई, तो दूसरी तरफ रामसेना के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। गुलबर्गा में अजान के खिलाफ रामसेना ने भजन अभियान किया था। इसी के चलते दलित सेना कार्यकर्ताओं ने गुलबर्गा महाबस मस्जिद के पास जमा होकर प्रदर्शन किया, जिसमें मुस्लिम दलित भाई भाई के नारेबाजी करते हुए नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ बिना अनुमति जगत सर्कल से सुपरमार्केट आ रहे रामसेना कार्यकर्ताओं की रैली, जो ऑटो के ऊपर लाउडस्पीकर लगाकर नारेबाजी कर रहे ऑटो को वापस भेज दिया और सभी कार्यकर्ताओं को लौटने को कहा। पुलिस की बात न मानने पर 15 से अधिक रामसेना कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। अजान पर तकरार, भजन का अभियान, जानबूझकर फसाद और झगड़ा लगाने का काम। डीके शिवकुमार, केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने लाउडस्पीकर पर अजान पर तकरार और भजन अभियान की शुरुआत पर अपनी नाराजगी जताते हुए जानबूझकर मुतनाजा और झगड़ालू काम किया जा रहा है राज्य में। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट अजान के मुद्दे पर पहले ही फैसला कर चुका है, पुलिस पहले ही नोटिस जारी कर चुकी है, ऐसों पर कार्रवाई करना सीएम की जिम्मेदारी है, मगर वो खामोश हैं क्योंकि जानबूझकर झगड़ा और फसाद करवाना चाहती है। यह सरकार की नाकामी है, जिसको नहीं रोका गया तो राज्य में अशांति, जाति संघर्ष और फसाद होने का इल्ज़ाम लगाया डीके शिवकुमार ने। दो परिवारों के बीच पथराव का लाइव टेलीकास्ट। घटना बीजापुर जिला टिकोटा तालुका यस्सी कॉलोनी की है, जहां दो परिवारों के पुरानी दुश्मनी के चलते यमनप्पा मलकन्नवर और अर्जुन मलकन्नवर दोनों परिवारों के बीच हुए इस जानलेवा पत्थरबाजी में 6 से अधिक लोग हुए हैं घायल, जिन्हें सरकारी हॉस्पिटल में किया गया है दाखिल। इस झगड़े का लाइव टेलीकास्ट हुआ है मोबाइल कैमरे में कैद। हनुमान चालीसा का आयोजन, श्री राम सेना के नेता की गिरफ्तारी। लाउडस्पीकर में अजान के खिलाफ बिना अनुमति के भजन की शुरुआत करने वाले श्री राम सेना के नेता गंगाधर कुलकर्णी और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर कहा कि यह सरकार हिंदू विरोधी सरकार है, जो पुलिस की ताकत से हमें रोककर अपनी ताकत दिखा रही है। ताकत है तो मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाएं, पुलिस का सहारा लेकर हमारे धर्म की आज़ादी छीनी जा रही है, हमसे कहा राम सेना के नेता ने। बिजली मीटर रेट पर इजाफा, सरकार ने चलाई जनता की जेब पर फिर से कैंची की वार। बेंगलुरु बेस्कॉम ने मीटर डिपॉजिट के दामों में किया है इजाफा, ना देने की सूरत में बिजली काटने की धमकी। बेस्कॉम की तरफ से जनता को नया झटका देते हुए सरकार ने, अगर ये डिपॉजिट नहीं अदा किया गया तो घर की बिजली काटी जाएगी, इससे बिजली के दाम भी बढ़ जाएंगे। 30 दिन की डेडलाइन देते हुए बिजली का मीटर रहने वाले हर एक घर को ये डेडलाइन दी गई है बेस्कॉम की ओर से। इसके बीच बिल अदा नहीं किया गया, यानी ₹500 बिल वाले घर पर ₹1000 डिपॉजिट रखने होंगे, वरना आपके घर से बिजली का संपर्क काट दिया जाएगा, कहा है बेस्कॉम ने। आम जनता पर बढ़ते महंगाई के बोझ और इस डिपॉजिट से और अधिक परेशानी होगी। पहले ही बहुत से चीज़ों के दाम बढ़ाए गए हैं, इन हालातों में क्या इसकी ज़रूरत थी, कह रही है जनता। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।